तो उसमें हमने जो है किन किन चीजों को देखना है ठीक है एक हमने देखना है कि वो आप प्रैक्टिस में जो है कितनी अमाउंट यूज कर रहे हो ठीक है कितनी वो टास्क परफॉर्म करा रहे हो ठीक है आपकी प्रैक्टिस की टाइप क्या है कि आप किस तरीके से पेशेंट को प्रैक्टिस करा रहे हो और उस प्रैक्टिस कराते वक्त आप कितनी वेरिएशन शो कर रहे हो ताकि वो वो पेशेंट की स्किल को अचीव करने में और रिटे, उसको रिटेन करने में कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा ठीक है अच्छा जी जितना ज्यादा पेशेंट जो है मोटर टास्क को प्रैक्टिस करता है उतना ही ज्यादा वो उसको रेडिली उसको क्या कर लेता है लर्न कर लेता है ठीक है अच्छा जी तो इसमें हम हमने देख देंगे हमारे पास कॉमन टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस वेरिएशंस क्या आती है अमाउंट बता दी मैंने टाइप बता दी और वेरिएबिलिटी और हमने उसके डिटेल में हमने उसको पढ़ना है कि हमारे पास टाइप्स क्या आ रही है प्रैक्टिस की ठीक है तो सबसे पहले हम देंगे पार्ट वर्सेस होल प्रैक्टिस ठीक है इसमें पार्ट वर्सेस प्रैक्टिस में हमारे पास क्या आएगा कि हमने पेशेंट परफॉर्म कराना ठीक है तो हम उसको पहले उसके कंपोनेंट सिखाएंगे ठीक है कंपोनेंट लर्निंग कराएंगे पूरा पूरा बाद में पार्ट प्रैक्टिस इन द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग फॉर ऑफ कॉम्प्लेक्सिलट हैल्ट कम्पोनेट ठीक है पहले आप क्या करोगे पार्ट प्रैक्टिस एक एक कॉम्प्लेक्स स्किल है

डिस्क्रीट टास्क परफॉर्म कराया देन आपने उसको कंबाइन करके एक पूरा का पूरा काम परफॉर्म कराया ठीक है पार्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपने एक टास्क को छोटे छोटे सेपरेट डायमेंशन में क्या कर दिया ब्रोक कर दिया ठीक है तो उसमें हमारे पास क्या होगा इसमें पेशेंट को एक पहले एक कंपोनेंट आप सिखाओगे ठीक है ऐसा ऐसा डिफिकल्ट तो कंपोनेंट कॉम्पोनेट टास्क परफॉर्म कराओगे ठीक है जब वो इन इंडिविजुअल सेगमेंट्स सेगमेंट मा, मास्टर कर लेगा उसको अच्छे तरीके से आ जाएंगे ठीक है देन आप उस सारे सीक्वेंस को कंबाइन करोगे और पूरा पूरा का -पूरा -पूरा टास्क क्या कर करेगा वो परफॉर्म करेगा ठीक है तो होल प्रैक्टिस में यही होता है कि हम पूरा का पूरा टास्क जो है पेशेंट से परफॉर्म कराते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड उसमें हम कोई सेपरेट सेगमेंट जो है उसको प्रैक्टिस नहीं करवाते ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लॉक्ड और रैंडम हमारे पास प्रैक्टिस आती है ठीक है ब्लॉक और रैंडम प्रैक्टिस क्या होती है कि इसमें हमारे पास जब भी आप रिहैबिलिटेशन का फेस करा रहे हो ठीक है इसमें हमारे पास जो है ब्लॉक प्रैक्टिस हमने किस तरीके से करानी है कि ब्लॉक प्रैक्टिस में क्या होता है कि पेशेंट को आप सेम टास्क बार-बार परफॉर्म करा रहे होते हो अंडर द सेम कंडीशन ठीक है फॉर एग्जांपल द पेशेंट में प्रैक्टिस वॉकिंग इन द सेम एनवायरमेंट स्टैंडिंग अप फ्रॉम द सेम हाइट चेयर और लिफ्टिंग द सेम साइज वेट और कंटेनर ठीक है एक ही इन्वायरमेंट में वो बार बार एक चेयर से उठ रहा है एक चेयर पे बैठ रहा है एक ही चीज एक ही साइज का जो कंटेनर जो उठा रहा है ठीक है बार बार एक काम को रिपीट कर रहा है ठीक है ना ही उसकी जो है इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है ठीक है ना ही उसके काम करने में कोई चेंज आ रहा है ठीक है एक काम को बार रिपीट कर रहा है तो हमारे पास क्या है ब्लॉक प्रैक्टिस आ रहा है ठीक है ये हम अर्लियर स्टेजेस ऑफ लर्निंग में कराते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हमने फिर क्या करना है उसको हम रैंडम प्रैक्टिस की तरफ लेके जा सकते हैं ठीक है उसमें आपने वेरिएशन ला देनी है है ठीक अब रैंडम प्रैक्टिस में क्या होगा कि फॉर के पहले जो है वो एक ही चेयर की हाइट से जो है चीज को लिफ्ट कर रहा था ठीक है अब आपने क्या करना है उस चेयर की हाइट्स को आपने क्या कर देना डिफरेंट कर देना है ठीक है या फिर आपने क्या करना है उस बॉक्स का जो वेट है उसको आपने डिफरेंट कर देना है ठीक है तो ये आगे हमारे पास रैंडम प्रैक्टिस आ गई है ठीक है, है, तो इस है, है? है, है इसमें चीज सेम नहीं है डिफरेंट है ठीक है तो उसमें हम क्या करेंगे इसमें हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट्स जो है सेम टास्क जो है बार बार जो है परफॉर्म करेगा इन रैंडम ऑर्ड ऑर्डर ठीक है किस तरह से पेशेंट जो है एक चेयर से बैठा हुआ है ठीक है वहां से वो राइज करेगा ठीक है अच्छा जी उससे उस टास्क उस को वो दोबारा परफॉर्म करेगा फिर वो डिफरेंट हाइट की चेयर पे जाएगा फिर वहां से उठेगा और फिर बैठेगा ठीक है क्या है इसमें कि प्रे, इसमें कि जो है ब्लॉक भी है कि टास्क वही है कि उसने बैठना है और उठना है टास्क वही है लेकिन उसमें आप उसमें रैंडम चीज क्या लाए हो कि पहले डिफरेंट हाइट आपने कर दी है पहले स्मॉल हाइट से उसने पहले लार्ज हाइट से वो बैठा वो खड़ा हुआ फिर स्मॉल हाइट से ठीक है तो आपने टास्क उठना बैठना है लेकिन आपने हाइट्स उसकी चेंज कर दी है ठीक है तो ये हमारे पास रैंडम ब्लॉक प्रैक्टिस में आ गया ठीक है उसके उस बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल वर्सेस मेंटल प्रैक्टिस इसमें क्या होता है कि आप हमारे पास जो पेशेंट है ठीक है जो पेशेंट जो है वो अब आपको आप कहोगे कि मुझे चल के दिखाओ ठीक है वो जो ये मूवमेंट कर रहा है ठीक है या आप उसे कहोगे कि अपने मुझे फ्लेक्शन एक्सप्रेशन परफॉर्म करके दिखाओ ठीक है तो ये या साइकिलिंग करके दिखाओ तो ये फिजिकल प्रैक्टिस में अब आपको परफॉर्म करके दिखा रहे मेंटल प्रैक्टिस क्या होती है क्या आप से कहो कि आप जो काम कर रहे हो फॉर एक्जाम्पल कि आप उसे कहो अपने माइंड में सोचो कि आप इस तरीके से चल रहे हो ठीक है तो वो मोटर रिहर्सल आपने दिमाग में उस चीज को कंपोनेंट्स को जो है उसके दिमाग में विजुअलाइज कराना है ठीक है इमेजेस आपने दिखानी है ठीक है उसकी मेंटल प्रैक्टिस करानी है ताकि वो जो है जब मेंटल पिक्चर उसके माइंड में बन जाएगी ठीक है तो वो उसको जो है इंटरप्रेट करने के लिए उसको परफॉर्म करने में उसको क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी ठीक है तो ये फिजिकल और मेंटल प्रैक्टिस आ जाती है अच्छा जी अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आ रहा होता है ठीक है अब हमने स्टेजेस भी पढ़ ली है ठीक है उसके बाद हमने क्या देख लिया हमने कंसिडरेशन भी देख ली कि जो मोटर लर्निंग को इफेक्ट करी होती है ठीक है इसमें हमने प्री प्रैक्टिस देखी और फिर हमने प्रैक्टिस की कंसिडरेशन देखी ठीक है उसमें हमने क्या क्या देखा है कि हमने ब्लॉग प्रैक्टिस परफॉर्म करा सकते हैं सेम टास्क बाबा परफॉर्म कर, परफॉर्म करा रहे हो ताकि वो जो है लर्निंग जो है उस चीज को बाबा जितनी मरता प्रैक्टिस करेगा उतने ज्यादा उसको अच्छे तरीके से लर्न करेगा फिर आप उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाओगे थोड़ा सा उसमें रैंडम चीजों को आप लेके आओगे ठीक है हाइट्स चेंज कर दोगे ठीक है उसके बाद थर्ड जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें आप क्या करोगे कि रैंडम और ब्लॉक दोनों प्रैक्टिस करवाओगे तो, uh, कर तो अब जो है उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं ठीक है एरर्स आते हैं ठीक है फिजिकल क्या कर, काम है उसको करेक्ट करें ठीक है क्या देना पड़ेगा उसको फीडबैक देना पड़ेगा